ये देखो गाइस, ये खुल गई हमारी डायमंड हेलमेट और डायमंड आर्मर की ट्रेन। आगे साहब, मेरे पास कंप्लीट डायमंड आर्मर सेट हो ही गया। पिछले वीडियो में मैंने अपने आर्मर को इंचांट कर लिया था और अपने टूल्स भी इंचांट कर लिए थे। उसके बाद मैं एक्सप्लोरिंग पर निकला था, जिसके बाद मुझे ये विलेज मिल गया था। तो मैं अभी इसी विलेज में रहने वाला हूँ, पर विलेजर्स से थोड़ा ट्रेड करने वाला हूँ। और मेरा प्लान ये है कि किसी तरह इन विलेजर्स को लालच देके इनसे ट्रेड कर करके इनसे इंचांटेड डायमंड आर्मर लेना है और यहाँ से रफू चक्कर लेना है। तो इसी काम में जुटा हुआ हूँ मैं। और ये देखो भाई, मैंने अपना काम स्टार्ट भी कर दिया है। थोड़े से पेड़ काटे, इनको स्टिक बेचे और ऐसे यहाँ पर टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6 टोटल 6 विलेजर्स हैं। लेकिन इसमें कुछ ऐसे विलेजर्स भी हैं जो बिना किसी काम के यहाँ पर रह रहे हैं, जैसे कि ये एक निटविट है और ये स्टिक लेता ही नहीं है भाई। तो इनके फ्लैचिंग टेबल को तोड़ के इनके ट्रेड्स को रिरोल करूंगा, इनसे स्टिक की ट्रेड लूंगा और उसके बाद एमरल्ड कलेक्ट करेंगे। तो अपने काम में लग जाता हूँ। आई थिंक भाई कि इतने काफ़ी ऑर्डर हो गए हैं, 3 स्टैक टोटल हो चुके हैं। अब घर वापस चलते हैं। ये पहुंच गया भाई मैं वापस अपने घर। इनसे स्टिक्स बनाता हूं और उसके बाद इन सबको बेचता हूं। तो ये बिक चुके हैं हमारे सारे स्टिक। अब इनमें से कुछ को आर्मर बना लेता हूँ ताकि इनसे आर्मर की भी ट्रेडिंग कर सकूँ। आर्मर के लिए मुझे क्या चाहिए होगा? आई गेस आर्मर के लिए मुझे ब्लास्ट फर्नेस चाहिए। यहाँ कहीं तो ब्लास्ट फर्नेस पड़ा हुआ है भाई, उसी को लाता हूँ, उसी से टेस्ट कर लेता हूँ कि आर्मर किस चीज से बनते हैं। ये मिल गया मुझे ब्लास्ट फर्नेस। अब इससे चेक करूं कि आर्मरर इसी से बनता है या फिर किसी और चीज से बनता है। ओके, मैंने गलत वाले के सामने आर्मरर ये ब्लास्ट फर्नेस लगा दिया। कोई बात नहीं, दूसरे के सामने टेस्ट करता हूं। मुझे इसके साथ टेस्ट करना होगा। तो ब्लास्ट फर्नेस, मुझे ब्लास्ट फर्नेस नहीं मिला भाई, ये कहाँ चला गया? चेक करता हूँ। वहां पर है भाई ब्लास्ट फर्नेस। ये ले लिया मैंने ब्लास्ट फर्नेस, इसे लगा दिया वापस और अब ऊपर चलता हूँ। और ये लगा दिया मैंने ब्लास्ट फर्नेस। अब चेक करता हूँ ये आर्मरर बनेगा या नहीं। ओके, तो ये आर्मरर बन चुका है। नाइस, आप इनसे कोल की भी ट्रेड कर सकते हैं। ओके, तो कोल मेरे पास है, कोल की ट्रेड कर लो और थोड़े आयरन आर्मर भी खरीद लेता हूँ, क्योंकि इसे मास्टर मिल पहुँचाना है, उसके बाद ही मुझे ये डायमंड आर्मर देगा। ये खुल गई इसकी नेक्स्ट ट्रेड। तो चेन मेल लेगिंग इसे भी ले लेता हूँ, लेवल अप जो करना है। तो यहाँ फेंक देता हूँ भाई, मेरे किस काम की चेन मेल लगेंगे? मेरे पास तो आयरन बूट हैं, आयरन लगेंगे हैं। ठीक है, इसे थोड़ा और लेवल अप करता हूँ। मेरे पास थोड़ा डायमंड होगा, देख लूँ। नहीं, मेरे पास डायमंड तो है नहीं। मेरे पास अभी 25 एमराल्ड बचे हुए हैं, तो इसे लेवल अप करके ही देख लेता हूँ डायमंड आर्मर मुझे कब देने वाला है।
और ये देखो भाई, फाइनली मेरे पास डायमंड आर्मर आ चुका है। ओके, तो इसे ले लेता हूँ। तुझे ख्याल प्रोटेक्शन टू किससे काम करनी है भाई? अनब्रेकिंग टू अच्छा, और ये फायर प्रोटेक्शन वन। तो थोड़े से और एमरल्ड जमा करता हूँ, उसके बाद मेरे पास अपना खुद का डायमंड आर्मर होगा। ओके, तो स्टार्ट करता हूँ। ये भाई थोड़ी सी लकड़ियाँ मेरे पास पड़ी हुई थी, तो उनसे मैंने ट्रेड की, और ये हो गया मेरे पास टोटल 13 एमरल्ड। तो इससे पहले डायमंड के बूट खरीदती हूँ, उसके बाद आगे बढ़ता हूँ। अब इन आयरन बूट की कोई ज़रूरत ही नहीं रही, फिर भी इन्हें रख देता हूँ, कभी ज़रूरत पड़ जाए, क्या पता कभी ज़रूरत पड़ जाए भाई। ओके, तो और लकड़ियाँ लाने चलता हूँ। इस तरफ भी थोड़े पेड़ बचे हुए हैं भाई, इन्हें भी तोड़ लेता हूँ। ये देखो भाई, ये देखो, यहाँ पेड़ काटते काटते मैं चक्कर लगा लगा कर वापस उसी बीच के पास चला आया जो मुझे पिछले एपिसोड में मिली थी, यहीं पर मैंने बीच को मारा था। ओके, अच्छी बात है। आई थिंक इतनी लकड़ियाँ काफ़ी होनी चाहिए, और मेरी एक भी अब टूटने वाली है, तो वापस घर चलता हूँ। रास्ते में ये जो स्टिक गिरे हुए हैं इन्हें भी लेता चलो, थोड़ी और हेल्प हो जाएगी भाई। तो गाइस, ये पहुंच चुका हूँ मैं घर, अब मुझे लकड़ियों से स्टिक बनाना है और इन्हें बेचना है। ओके गाइस, तो ये हो चुकी है मेरी ट्रेडिंग कंप्लीट। इससे मुझे मिल गया टोटल 1,064 और 469 एमजेम्स, आई मीन एमरल्ड। तो अब इससे ट्रेड करते हैं, इससे डायमंड बूट्स और लेगिंग्स लेते हैं। वेल, डायमंड बूट्स तो मैं पहले ले चुका हूँ, तो डायमंड लेगिंग्स ले लूँ और इसे पहन भी लूँ। अब मुझे चाहिए डायमंड चेस्ट प्लेट और हेलमेट, जो कि मुझे नहीं पता इससे मिलेगी या नहीं। ट्राई करता हूँ इसे और लेवल अप करने का, अगर ये और लेवल अप होता है तो देखेंगे कि डायमंड आर्मर देता है या नहीं। ये देखो भाई, मेरा सबसे पहला स्लाइम मुझे मिल गया, इसे मार के स्लाइम ले लेता हूँ। और उस स्लाइम से मुझे मिल गया टोटल 10 स्लाइम बॉल, अच्छी बात है।
मैं फिर से जंगल में गया था और वहाँ से कुछ लकड़ियाँ ले आया, तो इन्हें फिर से स्टिक में कन्वर्ट करते हैं। और भाई ये हो गया हमारा मतलब एक्सपर्ट गेटी पास। तो देखता हूँ अगली कौन सी ट्रेड खुलते हैं इसके पास। ये देखो गाइस, ये खुल गई हमारी डायमंड हेलमेट और डायमंड आर्मर की ट्रेड। आखिरकार मेरे पास कंप्लीट डायमंड आर्मर सेट हो ही गया। नाइस। और इस तरह ट्रेड करते करते मेरे पास देखो गाइस टोटल 33 लेवल हो चुके हैं। तो ये बड़ी अच्छी ट्रिक निकली भाई। और इस पर क्या क्या इंचमेंट है, प्रोटेक्शन वन, थॉर्न, प्रोटेक्शन टू, थॉर्न्स वन, और इस पर अनब्रेकिंग थ्री, प्रोटेक्शन थ्री। अच्छी इंचमेंट ही है। ओके गाइस, तो मेरा गोल तो कंप्लीट हो गया। मुझे टोटल डायमंड आर्मर चाहिए था इन विलेजेस पे, तो मैंने इन पेड़ काटे, इन सबको स्टिक बेचे और उसके बाद मैं अपना कंप्लीट डायमंड आर्मर ले लिया। तो हमारा गोल कंप्लीट हो गया इस विलेज में, अब मैं आगे बढ़ सकता हूँ। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा और एक्सप्लोर करूँ, उसके बाद वापस अपने घर चलता हूँ। तो यहाँ से मैं कुछ ज़रूरी सामान ले लेता हूँ, उसके बाद वापस घूमने के लिए चलेंगे। और फिर जब वापस भी अपने घर जाएंगे तो यहाँ से सामान लेते जाएंगे। ये हो गया मेरे घूमने जाने का सामान रेडी। कुछ बोन्स रखे हैं ताकि कुछ और डॉग्स मिले उन्हें टेम कर सकूँ। बोट ले लिया है, समुद्र पार कर लूँ, और बेड बाकी सोने के लिए। और इस डॉग को लेकर निकल चलते हैं किसी और विलेज की तलाश में।